Hello everyone, welcome to my channel. This is my new recipe. Hope you enjoy it. This time we are going to make masoor ki dal. Heat pressure cooker on high flame. Put 2 to 5 spoon of mustard oil or oil of your preference which you use for cooking. अब गरम तेल में हम डालेंगे जीरा यानी क्यूमिन सीड। फिर हम डालेंगे एक हरी मिर्च कटी हुई। अब हम डालेंगे दो कटे हुए बारीक प्याज। हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे प्याज, ज़्यादा उसको पकाएंगे नहीं कि वो जल जाए। अब हम दो मीडियम साइज टोमेटो बारीक काट के उसमें फिर ऐड कर देंगे और स्पाइसेस के साथ। एक चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको हम जो है बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे जब तक जो मसाला हमारा तेल ना छोड़ दे। हमें मसाला कच्चा नहीं रहने देना है। कुक द स्पाइसेस ऑन मीडियम फ्लेम, नहीं तो वो जल जाएंगे। लगभग हमें 8 से 10 मिनट लगेगा इसको कुक करने में। जब मसाले हो जाए तब उसमें हम धुली हुई मसूर की दाल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अंदाजे से 2 कटोरी ली है। थोड़ा थोड़ा पानी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दाल को डालने के बाद अच्छे से चला के हम उसे 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। आप मीडियम फ्लेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दाल को 2-3 मिनट मसालों के साथ भूनने के बाद उसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने जो है 3 से 4 गिलास के बराबर पानी लिया है। आप अपनी दाल की कंसिस्टेंसी के हिसाब से लेंगे। हमें ये दाल गाढ़ी बनानी है तो ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। नमक डालना है और हमें जो है कुकर को बंद करके तेज आँच पे सीटी लगाना है 2 से 3, और हमारी दाल तैयार है। एंजॉय योर गरम गरम दाल एंड डू टेल मी इन कमेंट्स हाउ डू यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट।